सो गाइस वेलकम बैक टू क्रिश धवन ब्लॉग्स। सो भाई आज मैं अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ दो नए गैजेट्स की जो कि बहुत ट्रेंडिंग चल रहे हैं। सो वन इज वाइमस का P61 वीडियो प्रोजेक्टर एंड द सेकेंड वन इज इंस्टा 360 एस प्रो जो कि भाई नया कैमरा है, बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है और अब मैं ये कैमरा यूज करने वाला हूँ अपनी व्लॉगिंग के लिए। सो इससे पहले मैं अपने फोन से शूट करता था विच इज S23 Ultra। सो अब मैं करूँगा इंस्टा 360 एस प्रो से और साथ में मैंने मंगवाया मल्टी बॉम। तो भाई ये इसके साथ कनेक्ट होगा, बहुत अच्छा एक कॉम्बिनेशन है। सो दिस विल रॉक। सो सबसे पहले बात करते हैं भाई अपने वीडियो प्रोजेक्टर की। बहुत प्रीमियम बॉक्सिंग कर रखी है भाई, बॉक्सिंग नहीं कर रखी, पैकिंग कर रखी है। तो ये हमारे को एक इसकी बुकलेट मिलती है एंड ये Q&As मिलते हैं। तो भाई सबसे पहले आता है हमारा प्रोजेक्टर। वो थोड़ा स्मार्ट सा, क्यूट सा, छोटा सा प्रोजेक्टर है। दिस इज अ मिनी प्रोजेक्टर, आप इसको कहीं पर भी कैरी कर सकते हो। ये बहुत ही लाइट वेटेड है, लाइक 2 pounds अप्रॉक्स, 1 kg से भी कम है इसका वेट। ये बहुत ही प्यारा प्रीमियम प्रोजेक्टर है एंड इसके फीचर्स के बारे में अभी हम बताते हैं। साथ में हमारे को मिलता है इसके साथ एक रिमोट कंट्रोलिंग के लिए एंड ये पावर वायर है एंड कुछ और वायर्स दी गई है लाइक ऑक्स और HDMI केबल, ये सब। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं प्रोजेक्टर की। सो भाई सबसे बेस्ट इसका एक फीचर मैं आप लोगों को बताऊं, ये वायरलेसली कनेक्ट हो जाएगा आपके वाईफाई से भी और आपके मोबाइल फोन से भी, लैपटॉप से भी। सो यू गाइस कैन स्क्रीन मिररिंग दिस प्रोजेक्टर फ्रॉम योर मोबाइल फोन और लैपटॉप किसी भी चीज से। सो इसके जो इंचेस है गाइस दैट इज 300 inches स्क्रीन। सो बहुत 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 सुपर क्वालिटी की इसकी स्क्रीन है, जैसे कि मैंने इसकी वीडियोस देखी थी। एंड इसके अंदर स्पीकर जो है वो इनबिल्ड है तो आवाज भी काफी अच्छी होने वाली है। ये हमारे को मिलता है एक पावर वायर के साथ, तो हम इसकी पावर वायर यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। सो 1080p HD क्वालिटी इसकी स्क्रीन है। एंड अगर मैं आप लोगों को इसकी वायर की बात करूँ तो लेंथ भी अच्छी है। सो इजीली आप इसको अपने बेडरूम में कैरी कर सकते हो, कहीं जाते हो वहाँ पर कैरी कर सकते हो। साउंड क्वालिटी इज गुड, USB कनेक्ट कर सकते हो इसमें आप, ऑक्स वायर, माइक, एनीथिंग आप कुछ भी कनेक्ट कर सकते हो, एक्सटर्नल स्पीकर भी। तो क्वालिटी की बात करी जाए तो भाई क्वालिटी बहुत ही सुपर है। 2 speakers है, 1 speaker है यहाँ, 1 speaker है यहाँ। इसमें एक फैन भी दे रखा है, जैसे अभी ओवर हीट होता है तो ऑटोमेटिकली द फैन विल रन एंड इसकी हीटिंग को रिसॉल्व करेगा आपकी। और यहाँ पर जो है फैन की एक ट्रे दे रखी है, आप इसको क्लीन कर सकते हो, दैट इज वेरी गुड। तो गाइस इसमें एक फीचर दे रखा है ऑटो फोकस का, तो ये बटन्स दे रखे हैं इसमें राइट एंड लेफ्ट में, तो आप ये बटन्स को यूज करके इसका फोकस कंट्रोल कर सकते हो। एंड सेकंड चीज, आप इसकी स्क्रीन एडजस्टमेंट कर सकते हो विच इज लाइक 300 inches, तो इट कम्स इन अ परसेंटेज, 50%, 60, 70, 80, तो आप इसको ऐसे कंट्रोल कर सकते हो इसकी स्क्रीन परसेंटेज। सबसे अच्छी बात मेरे को लगी गाइस इसकी कि यू कैन कनेक्ट दिस टू iOS, लाइक आप अपने एप्पल के मोबाइल फोन्स और लैपटॉप किसी से भी कनेक्ट कर सकते हो। एयरप्ले फीचर दे रखा है इसमें एंड द सेकंड वन इज स्क्रीन मिररिंग फीचर, तो इसमें है ही जो अपने फोन्स के साथ, लैपटॉप के साथ, एंड्रॉयड जो है उनके साथ कनेक्ट कर सकते हो, विंडोज लैपटॉप एंड एंड्रॉयड फोन्स। सो भाई ये बेस्ट प्रोजेक्टर होने वाला है आई गेस इस सीजन का। द प्रोजेक्टर इज वाइमस P61 वीडियो प्रोजेक्टर, बहुत ही सुपर्ब है। अगर आप लोग सोच रहे हो, प्लान कर रहे हो प्रोजेक्टर लेने की, तो यू कैन गो फॉर दिस। आई रेट दिस प्रोजेक्टर लाइक 9 out of 10, बहुत 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 अच्छी क्वालिटी दे रखी है, जैसा कि बता रखा है वैसा ही है सब कुछ इसमें। एंड अगर हम प्राइस की बात करें तो इसका प्राइस होने वाला है $170 Canadian. सो आई डोंट थिंक सो कि इतना कॉस्टली भी है, बहुत अच्छा है प्रोजेक्टर, यू कैन ट्राई दिस वन। सो गाइस हम सेकंड जो है हमारा गैजेट उसकी बात करने वाले हैं।
which is Insta 360 Ace Pro with multi mount. एंड भाई इंस्टा 360 वालों ने हमारे को टी शर्ट भी फ्री गिफ्ट करी है. सो जो टी शर्ट है विच कम्स इन अ ब्रांडिंग ऑफ इंस्टा 360 ब्लैक कलर की टी शर्ट है. मैं आपको दिखा देता हूँ. सो टी शर्ट कुछ इस तरीके की होने वाली है. इट कम्स इन अ इंस्टा 360 ब्रांडिंग. एंड गाइस सबसे बड़ी बात, ये वीडियो अनस्पॉन्सर्ड है, ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है. तो जो भी मैं रिव्यूज देने वाला हूँ, either it is for a video projector or either it is for Insta 360 Ace Pro, तो वो सब कुछ जनरल है. तो चलो हमारे Insta 360 की अनबॉक्सिंग करी जाए. मैग्नेटिक बॉक्स दे रखा है यहाँ पर हमारे को. तो ये कुछ ऐसे आएगा आपका कैमरा इसमें. तो ये है आपका Insta 360 Ace Pro. तो इसके फीचर्स की अभी हम बात करते हैं. सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके साथ क्या क्या मिला है हमारे को. तो सबसे पहले एक ये बॉक्स मिलता है जिसके अंदर आएगा हमारी बुकलेट होने वाली है एंड कुछ चीज़ें होने वाली है. ओके सो एक ये दिया हमारे को सी टू सी वायर केबल. आई गेस दिस वन इज फॉर चार्जिंग, राइट? या फॉर चार्जिंग. एंड ये जो है ये क्या है, जैसे मल्टी माउंट है ये, तो ये जो माउंट है आई गेस दिस वन इज फॉर कार. या तो ये कार का माउंट होने वाला है. एंड साथ में एक हमारे को इसके दी जाती है ये प्लग इन नीचे जो हम कर सकते हैं आई गेस. या सो ये हम प्लग इन कर सकते हैं. दिस इज मैग्नेटिक, आप लोग देख रहे होंगे, ये देखो. बट ये हमारे को इसके अंदर एडजस्ट करनी पड़ती है, वो भी मैं अभी आप लोगों को सिखाऊंगा. एंड इसके साथ हमें मिलती है सम बुकलेट्स booklets and some stickers for Insta 360. तो ये तो हम लोग नहीं पढ़ने वाले. That's good. And अब हम लोग unboxing करते हैं मल्टी माउंट की. ये मल्टी माउंट भी बहुत क्लासिक होने वाला है यार. I know this one is very handy. Okay. So जो मल्टी माउंट है वो कुछ इस तरीके का दिखेगा आपको स्टार्टिंग में. तो गाइस इसके साथ हमें मिलेगा एक ये विच इज नोन एज लैनयार्ड. सो आप इसको इसके साथ अटैच कर सकते हो यहाँ पर. एंड लाइक हैंडी, आप हाथ के अंदर डाल के इसको रस्सी को कैरी कर सकते हो इजीली कि आपका माउंट ना गिरे. एंड ये सब नट्स दिए गए हैं आई गेस ये मल्टी माउंट जो है कैमरे के साथ कनेक्ट करने के लिए. सो वो भी मैं अभी आप लोगों को करके दिखाऊंगा. सो कुछ ये चीज़ें दी गई हैं हमारे को Insta 360 Ace Pro के साथ एंड हमारे मल्टी माउंट बॉक्स में. सो सबसे पहले शुरू करते हैं कैमरे के साथ. भाई कैमरा बहुत स्लीक है, पतला सा है, छोटा सा कैमरा है, हैंडी है, काफ़ी हैंडी कैमरा है ये. एंड जो सबसे बेस्ट फीचर इसका मेरे को लगा विच इज स्क्रीन फ्लिप. तो आप इसकी स्क्रीन को फ्लिप कर सकते हो अगर आप लो एंगल वीडियो बना रहे हो, या आप इसकी आप अगर ब्लॉगिंग कर रहे हो लाइक अगर आप ब्लॉगर हो तो यू कैन ब्लॉग लाइक दिस. तो आपको पता चलता रहेगा स्क्रीन में. ये अभी मैं खोल के दिखाता हूँ आप लोगों को. तब तक हम इसका माउंट कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे हुआ. तो माउंट जो है वो कुछ इस तरीके से कनेक्ट होने वाला है. एक ये जो माउंट दिया हुआ है ये जो मैग्नेटिक है ये आपका जाएगा कैमरे के अंदर. ये हो गया टाइट, हुआ नहीं हुआ, हाँ हो गया. एंड ये नट हम लगाएंगे ऐसे इसके अंदर जिससे हमारा कैमरा और जो हमारा मल्टी माउंट है वो कनेक्ट हो जाएगा. एंड जो ये हमारे को नट दे रखा है इससे हम इसको टाइट कर सकते हैं. और एक चीज़ इसकी बहुत अच्छी है, ये गिरेगा नहीं, आई नो दैट, क्योंकि इतने नट दे रखे हैं और सब कुछ दे रखा है तो गिरने का तो कोई चांस ही नहीं है. ओके सो कुछ इस तरह लगेगा हमारा कैमरा Insta 360 Ace Pro विद मल्टी माउंट. और आप लोगों को गाइस इसका जो मेमोरी कार्ड है जो इसमें लगेगा वो आप लोगों को एक्सटर्नली खरीदना पड़ेगा.
सो मैं आप लोगों को वो भी दिखा देता हूँ कि यहाँ से जो है आप लोग इसमें मेमोरी कार्ड अटैच कर सकते हैं एंड इस कैमरे को चार्ज कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक सी पोर्ट दे रखा है, तो सी वायर हम आपको दे रखी है, सी टू सी केबल। सो हम इस कैमरे को यहाँ से चार्ज कर सकते हैं एंड साथ में हम मेमोरी कार्ड इंसर्ट कर सकते हैं। तो एक साइड तो गाइस ये होने वाला है एंड दूसरी साइड जो है वो है इसकी बैटरी। ये थोड़ी सी टाइट है, आई गेस नया कैमरा है तो इसलिए ओके। तो यहाँ होने वाली है इसकी बैटरी, मैं आप लोगों को निकाल के भी दिखा देता हूँ। छोटी बैटरी है इसकी ये, बट इसका जो रन है वो 1 आवर प्लेबैक है, मतलब वो चल सकता है 1 आवर ये कैमरा। एंड थोड़ा सा इसको ट्रिकी है ये, अगर आप लोगों को इसको वापस बंद करना है तो विच इज लाइक स्लाइड डाउन एंड ये खुल जाएगा और क्लिक एंड थोड़ा सा ऊपर और ये बंद हो जाएगा। थोड़ा ट्रिकी है बट इट्स गुड। सो गाइस ये जो मल्टी माउंट है इसमें काफ़ी अलग अलग चीज़ें होने वाली है, लाइक ये ऐसे खुल जाता है एंड आप इसके नट्स को यहाँ पर इधर दे रखे हैं, इसको टाइट कर सकते हो लाइक दिस एंड यहाँ से दिस वन और ये यहाँ से खुल जाएगा लाइक अ स्टैंड। तो ये गाइस ऐसे होने वाला है, ये देखो आप इस कैमरे को सेट कर सकते हो लाइक दिस। तो गाइस आपकी वीडियोस जो है सुपर स्टेबल बनने वाली है इस मल्टी माउंट के थ्रू, ऐसा नहीं है कि ये वेस्ट ऑफ मनी है। तो अगर मैं कैमरे की बात करूँ तो मेरे को कैमरा जो है वो पड़ा है $670 एंड जो मल्टी माउंट है दैट इज़ फॉर $60। तो टोटल जो है अप्रॉक्स लाइक $750 का आपके घर ही डिलीवर हो जाएगा फ्रॉम Insta360। सो अगर मैं इसकी मल्टी माउंट की एक बार और करूँ, मेरे को जो चीज़ बहुत अच्छी लगी वो है ये, लाइक आपने अगर हाई एंगल शॉट्स बनाने हैं तो आप इसको ऐसे यूज़ करके आप हाई एंगल शॉट्स बना सकते हो विच इज़ वेरी गुड। एंड मेरे को एक चीज़ जो सुपर बेस्ट लगी इसकी वो है ये लाइक दिस एंड दिस, आप इसको ऐसे भी रख सकते हो एंड आपकी वीडियो ऐसे भी बनती रहेगी इफ यू गाइस वांट लाइक दिस एक फेस के एंगल से राइट। सो गाइस अब बात करते हैं Insta 360 एस प्रो के कुछ फीचर्स की मल्टी माउंट को छोड़ के। सो गाइस इस कैमरे को ऑन करना है इज लाइक सुपर इजी, आप लोगों ने डबल क्लिक करना है एंड ये कैमरा ऑन हो जाएगा। सो कैमरा आपका दिखने वाला है कुछ इस तरीके से। सो गाइस इसका सबसे बेस्ट फीचर होने वाला है AI वीडियोस। सो आप लोग देख रहे होंगे AI वीडियोस मैं इस कैमरे से बना सकता हूँ, लाइक इसकी एक ऐप है Insta 360, वो हमारे फोन में डाउनलोड करनी पड़ेगी एंड ईजिली आप लोग जो है इसकी वीडियोस जो है इंपोर्ट कर सकते हो अपने फोन में एंड उस वीडियोस को पर डे यू कैन मेक 3 AI वीडियोस। बहुत ही सुपर कूल फीचर होने वाला है इसका ये। एंड सबसे बड़ी बात मैं अगर आपको इस कैमरे के फीचर्स के बारे में बताऊँ तो भाई ब्लास्ट हो जाएगा आपका माइंड। सबसे पहले मैं आप लोगों से बात करता हूँ इसके फ्रेम रेट्स की। सो गाइस जो वीडियो मोड होने वाले हैं आपके पास वो होने वाले हैं 8K वीडियोस, 4K वीडियोस, 2.7K वीडियोस एंड 1080p। और जो आपकी 4K वीडियोस होने वाली है भाई वो होने वाली है 120 फ्रेम रेट पर सेकंड पे। तो भाई ये बहुत बड़ी चीज़ है। एंड सेकंड 8K वीडियोस इज ऑन 24 फ्रेम रेट्स पर सेकंड। इसमें अपने टेम्पलेट्स जो हैं इन्होंने खुद ही दे रखे हैं इफ़ यू आर अ ब्लॉगर, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। सो गाइस ये जो है बहुत सारे मोड के साथ आने वाला है विच इज़ फोटो मोड, वीडियो मोड, प्योर वीडियो मोड, फ्री फ्रेम मोड, टाइम शिफ्टिंग मोड, बहुत सारे मोड्स है गाइस इसमें बहुत सारे। एंड जो प्रीसेट्स हमारे को दिए गए हैं वो हमारे को दिए गए हैं बाइकिंग के, स्कीइंग के एंड सबसे बेस्ट इज व्लॉगिंग के एंड डाइविंग के। सो आप अंडर वाटर इसके साथ डाइविंग वीडियोस बना सकते हो एंड जो व्लॉगिंग का प्रीसेट है वो पहले से ही इसमें सेट है विच इज़ ऑन 4K एंड 30 FPS। सो काफ़ी बढ़िया वीडियोस बनने वाली है इसमें गाइस। एंड सबसे बड़ी बात आप कोई भी वीडियो को AI वीडियो में कन्वर्ट कर सकते हो। एंड जो एक बेस्ट फीचर है इसका फ्री फ्रेम मोड विच इज़ यार
कि आप अगर वीडियो बना रहे हो 16.9 में विच इज फॉर YouTube, राइट, तो आप उस वीडियो को कन्वर्ट कर सकते हो पोर्ट्रेट मोड में भी, फॉर Instagram एज वेल, फॉर Snapchat, फॉर Reels, फॉर TikTok, किसी भी चीज़ के लिए। और सबसे बड़ी बात गाइज, ये जो है हैंड जेस्टर जो है कंट्रोल कर सकते हो आप हैंड जेस्टर से। तो गाइज बहुत ही एक बढ़िया चीज़ है इसमें, अगर आप लोग वीडियो शूट कर रहे हो, जैसे मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ लाइक दिस। सो आप लोग देख ही रहे होंगे वीडियो स्टार्ट हो गई है, अभी ये वीडियो शूट हो रही है एंड आई डोंट वॉन्ट दिस वीडियो एंड इंस्टेंट मेरे को न्यू वीडियो बनानी है, तो इसमें एक फीचर है विच इज़ द रेड बटन, जो कि वीडियो स्टार्ट एंड स्टॉप बटन है, उसको अगर आप लॉन्ग प्रेस 3 सेकेंड तक करे रखोगे तो आप लोग देख रहे होंगे जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी वो डिलीट हो चुकी है एंड आप इंस्टेंट नई वीडियो शूट करना स्टार्ट कर सकते हो। तो ये फीचर मेरे को इसका बहुत अच्छा लगा, इंस्टेंट डिलीट वाला AI फीचर इसका बहुत अच्छा लगा। तो अगर मैं बात करूँ फ्री फ्रेम AI एंड इंस्टेंट डिलीट, और सबसे बड़ी बात भाई फ्लिप स्क्रीन, अगर आप लो एंगल वीडियो बना रहे हो, अगर मैं ऐसे वीडियो बना रहा हूँ तो आपको नहीं पता चलता कि आप नीचे से कैसी वीडियो बना रहे हो, तो आप यहाँ से स्क्रीन को स्ट्रेट करके आप देख सकते हो कि लो एंगल में क्या वीडियो बन रही है, तो विच इज़ वेरी गुड। तो गाइस अगर मैं बात करूँ बाकी कैमरे के अकॉर्डिंग, तो भाई इसके फीचर्स एंड कितना पोर्टेबल है आप लोग देख ही रहे होंगे, तो काफ़ी बेटर होने वाला है ये बाकी कैमरा से विच इज़ GoPro एंड DJI कैमराज, क्योंकि मैंने वो भी यूज़ करके देख रखे हैं, आई डोंट हैव पर्सनली बट मैंने अपने फ्रेंड्स के यूज़ करे हैं, उससे बेटर मेरे को Insta360S Pro लगा, क्योंकि इसके फीचर्स तो भाई बॉम है बॉम। एक बात और, अगर आप इसको प्लग इन करके रखते हो एंड अगर आप कोई वीडियो शूट कर रहे हो, तो गाइस आपके मेमोरी कार्ड की कैपेसिटी पे डिपेंड करेगा, अगर 1 TB की कैपेसिटी है तब तक ये वीडियो शूट होती रहेगी, ये कैमरा बंद नहीं होने वाला, ये कैमरा चलता रहेगा अगर आप इसको प्लग इन करोगे, बस आपका मेमोरी कार्ड थक जाएगा बट कैमरा वीडियो बनाने से नहीं। सो गाइस एक बड़ा इसका कूल फीचर है कि आप जब वीडियो शूट कर रहे होगे तो आपको यहाँ पर इसका बैटरी परसेंटेज एंड आपके मेमोरी कार्ड में कितने आवर्स की स्पेस बची है, लाइक मेरे मेमोरी कार्ड में इट्स लाइक 4 आवर्स स्पेस अभी बची हुई है, राइट, एंड आपका जो फ्रेम मोड है 16.9 एंड जिस वीडियो फ्रेम में आप बना रहे हो लाइक 4K 30 FPS वो सब कुछ शो होगा इस छोटी सी डिस्प्ले में जो कि आपको दी जाएगी लेंस के बिल्कुल नेक्स्ट में। तो काफ़ी अच्छे फीचर्स होने वाले हैं गाइस कैमरे के, बहुत ही अच्छे फीचर्स होने वाले हैं एंड जो Insta360 हैं उन लोगों ने एक चीज़ की क्लेम करा है कि फॉर 1 month अगर आप लोगों से इसका कैमरा ब्रेक होता है या लेंस टूटता है, एनीथिंग हैपन्स ऑन दिस पार्ट, तो वो लोग जो है फ्री में कैमरे को लेंस को रिप्लेस करके देंगे विद इन अ मंथ। तो काफ़ी बेस्ट चीज़ होने वाली है ये एंड मल्टी माउंट मैंने आप लोगों को दिखाई दिया है, मल्टी माउंट भी काफ़ी अच्छा है इसका जो कि बिल्कुल सूट कर रहा है कैमरे के साथ एंड ये आपका कार का माउंट होने वाला है एंड C2C केबल। सो दीज थिंग्स आर वर्थ इट इन $750। सो गाइस ये थी मेरी शॉर्ट एंड डिटेल वीडियो ऑन वेमस का वीडियो प्रोजेक्टर P61 एंड Insta360S Pro विद मल्टी माउंट। सो आप लोगों से मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।